सोलो लेवलिंग सीजन 2 का ट्रेलर लॉन्च हो गया था कुछ टाइम पहले। उसमें कौन कौन सी आर्क्स होंगी और क्या क्या होगा वो सब मैंने एक शॉर्ट में बताया था, जिसका लिंक तुम्हें यहाँ कहीं पे मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम सीजन 1 को याद करेंगे ताकि तुम्हें उसकी याद ना आए। तो सबसे पहले इस एनिमे में कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। नंबर 1, ये हमारे ही धरती पर बेस्ड है। नंबर 2, दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट करने के लिए कुछ गेट्स खुलते हैं जिनको डंजन्स बोला जाता है, जिनकी रैंक्स होती हैं एस स्ट्रॉन्गेस्ट देन ए बी सी डी एंड वीकेस्ट ई। डंजन के मेन बॉस को हराने पर वो गेट बंद हो जाता है एंड फिर वहां पर माना क्रिस्टल्स मिलते हैं जो कि असली दुनिया में बहुत महंगे बिक सकते हैं। एंड डंजन का एक दिन इस धरती का एक घंटा। अब आते हैं असली कहानी पर। क्योंकि कोरियन एनिमे है तो इसकी कहानी शुरू होती है सियोल से, जहाँ वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड एंड हमारे प्यारे एमसी का इंट्रोडक्शन होता है। इसकी कहानी थोड़ी थोड़ी थ्री इडियट्स के राजू जैसी है, कि इसकी माँ बीमार है, घर में बिन भी आई बहन है, बस रिश्ते वाले शादी के लिए मारुति 800 की जगह एक हाई रैंक हंटर मांगते हैं। लेकिन ये इतना वीक है कि ई रैंक डंजन्स में भी हर बार ऑलमोस्ट मर जाता है। वो तो भला हो इस बी रैंक हीलर ली जूही का, जो हर बार इस एमसी को बचा लेती है। ये इंसिडेंट जिसने पूरा गेम ही पलट दिया था। एक बार नॉर्मली अपना ई रैंक डंजन से मिशन पूरा करके अधमरा होके संजिन वो बाहर आ रहा था, तभी वहाँ एक और डंजन मिली, डंजन के अंदर डंजन। लोग डर गए, फिर वोटिंग हुई कि उसके अंदर जाना है या नहीं, एंड इट वॉज डिसाइडेड कि चलते। अंदर काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई थी क्योंकि वो एक मंदिर था। एक हंटर ने वहां से निकलने का ट्राई किया, लेकिन उसके हिलते ही तुरंत एक और मूर्ति हिलती है एंड उसे तुरंत मार देती है, जिससे सब लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं एंड वहां पर एक भगदड़ जैसी मच जाती है, जिससे जो वहां की मेन मूर्ति थी वो कुछ गुस्सा वुस्सा हो जाती है शायद, एंड उसकी आंखों से लेजर निकलती है जिससे आधे हंटर्स मर जाते हैं। फिर चलता है हमारे एमसी का दिमाग। वो इधर उधर देखता है और उसे 3 रूल्स दिखाई देते हैं। नंबर 1, वर्शिप द लॉर्ड। तो जिनवू सारे लोगों को मेन मूर्ति के सामने बो डाउन करने को कहता है, जिससे मूर्ति खुश हो जाती है। नंबर 2, प्रेज द लॉर्ड। तो इस पर जिनवू सब लोगों को उन मूर्तियों के नीचे जाने को कहता है जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे, कोई वेपन नहीं। लेकिन जब सारे हंटर्स हिल के दूसरी मूर्तियों की तरफ जा रहे होते हैं तो उनके ऊपर दोबारा से अटैक होता है, जिसमें थोड़े से हंटर्स और मर जाते हैं एंड संग जिनवू का एक पैर कट जाता है। बट ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद बीचों बीच में एक गोला बन जाता है जिसकी बाउंड्री पे आग लगी होती है और सारे हंटर्स उसी गोले के बीच आके खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद बाहर जाने का गेट खुल जाता है। और यहाँ पर आता है रूल नंबर 3, प्रूव योर फेथ। मौका मिलने पर सारे हंटर्स एक एक करके वहां से बाहर चले जाते हैं सिवाय एक के, संग जिनवू, क्योंकि उसका एक पैर कटा हुआ था। और फिर वहां पर सारी मूर्तियां मिलकर उसे बहुत मारती हैं, उसका धागा खोल देती हैं, उसका एक पैर पहले से कटा हुआ था, फिर वो उसका सर फोड़ देती हैं, उसका एक और हाथ काट देती हैं एंड वो ऑलमोस्ट डेड हो जाता है। फिर वो बेहोश हो जाता है एंड जब वो नेक्स्ट डे उठता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है, जहां पर उसके हाथ पैर सब सही सलामत होते हैं। हॉस्पिटल में हंटर्स एसोसिएशन के लोग आते हैं जिनवू को मिलने की उसकी रीअवेकनिंग हुई है या नहीं ये चीज चेक करने के लिए। जिनवू खुश हो जाता है लेकिन उसका पावर लेवल वापस से सेम ही निकलता है, तो उसका मुंह फिर से बन जाता है। लेकिन उसके सर पर एक स्क्रीन बनी हुई होती है जो कि सिर्फ उसी को दिखाई दे रही होती है, एंड उसमें कुछ डेली टास्क लिखे होते हैं कि जैसे इतने किलोमीटर रनिंग करनी है, इतने पुशअप, इतने पुलअप, इतने कर्लअप, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड उनको पूरा ना करने पर एक पनिशमेंट भी मिलनी होती है। एंड ऑफ कोर्स हमारे प्यारे एमसी को पहले दिन पनिशमेंट ही नसीब होती है। पनिशमेंट में उसे दूसरे डायमेंशन के एक रेगिस्तान में फेंक दिया जाता है, जहां पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा कीड़ा पड़ा होता है। अब उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो उस कीड़े को मार दे और वहां से निकल जाए, और या तो फिर 4 घंटे तक यहां वहां भागता रहे और जैसे तैसे बस सरवाइव कर जाए। एंड ऑब्वियसली वो सेकंड ऑप्शन चूज करता है एंड जैसे तैसे वहां से 4 घंटे तक भाग भूख के सरवाइव करके वापिस आता है, और फिर उसे मिलते हैं रिवॉर्ड्स। एंड इस दिन के बाद से वो अपने डेली चैलेंजेस डेली ही कंप्लीट कर लेता है एंड डेली ही उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रिवॉर्ड्स में उसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिनसे वो अपनी एबिलिटीज जैसे कि IQ, स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बाकी चीजों को इम्प्रूव कर सकता है। कभी कभी उसे कुछ स्पेशल क्वेस्ट्स में कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि मैजिकल डैगर, एंड वो इसको भी उसी स्क्रीन में ही स्टोर करके रख सकता है। वो उसी स्क्रीन से कुछ नई चीजें मार्केट से खरीद भी सकता है और अपनी पुरानी चीजें बेच भी सकता है। अब ये सब कुछ एक गेम की तरह बन चुका है कि टास्क पूरे करो, लेवल बढ़ाओ, एंड क्योंकि वो ये गेम अकेला ही खेल रहा है, हेंस द नेम सोलो लेवलिंग। उसे एक बार स्पेशल रिवॉर्ड में एक डंजन की चाबी मिलती है एंड वो वहां पे चला जाता है। अंदर उसे एक वुल्फ मिलता है जिसे वो अपनी तलवार से काट देता है, एंड फिर उसे वैसे ही काफी सारे वुल्फ मिलते हैं जिनको वो मारता रहता है एंड उसका लेवल अप होता रहता है। एंड सारे वुल्फ को मारने के रिवॉर्ड में उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है। फिर वो फाइनल बॉस को मारने जाता है जो कि एक बहुत बड़ा सा सांप होता है फिर भी तुम्हारी एक्स से छोटा। फिर बहुत जद्दोजहद के बाद उस सांप को भी मार देता है हमारा एमसी एंड रिवॉर्ड में उसे मिलता है उसी सांप का जहर। उसने सेंस किया कि बाहर कुछ लोग लड़ रहे हैं डीमन से एंड वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो वहां पर जाता है अपनी टूटी हुई तलवार लेकर और एक ही बार में उसको कमजोर करके हरा देता है।
अब पावरफुल तो हो गया जिनवू, लेकिन वो लाइसेंस पर अभी भी ई रैंक ही है, एंड ई रैंक को पैसे वैसे तो मिलते हैं नहीं ज्यादा। तो उसने इंडिपेंडेंट गिल्ड्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले जिसको ज्वाइन करा वो लोग कुछ ठीक नहीं थे। ये कुछ 3-4 लोग थे जो हर बार जब डंजन में जाते थे तो उनके साथ के एक्स्ट्रा बंदे हमेशा मर जाते थे, एंड ये लोग सही सलामत वापिस आ जाते थे। एंड इन्होंने जिनवू के सामने भी ऐसा ही कुछ ट्राई करा कि मेन बॉस के सामने, जो कि एक बड़ा सा स्पाइडर था, जिनवू को छोड़ दिया मरने के लिए। जिनवू के साथ यहाँ पर एक और बंदा भी था, यो जिन हो नाम का, जो कि अखंड अमीर था, क्योंकि उसके पास कई करोड़ का तो सिर्फ आर्मर ही था। एंड ऑफ कोर्स जिनवू ने ना सिर्फ उस बॉस को हराया बल्कि उस गिल्ड के जितने भी लोग थे उन सबको उसने मार दिया, क्योंकि सिस्टम ने उसके पास और कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी उन लोगों को मारने के सिवा। अगर वो ना मारता तो फिर जिनवू का खुद का दिल सिस्टम रोक देता। एंड उस इंडिपेंडेंट ग्रुप का जो लीडर था वो एक एस रैंक वाले बंदे का भाई था। एक सी रैंक डंजन में जहां पर बी रैंक के लोग भी नहीं सह पाए, वहां से एक डी और ई रैंक के हंटर बाहर आ रहे। ये हंटर एसोसिएशन के लिए थोड़ा सा सस्पिशियस हो गया था मामला। अब जिन हो जिनवू को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है, जहां वो अपने बारे में उसे सब कुछ बताता है कि कैसे उसके पापा एक गिल्ड खोलना चाहते हैं एंड वो उस गिल्ड का मास्टर बनना चाहता है। लेकिन गिल्ड मास्टर बनने के लिए पहले उसको एक हंटर बनना पड़ेगा, एंड हंटर बनने के लिए उसे एक हंटर लाइसेंस लेना पड़ेगा, एंड लाइसेंस के लिए उसे एटलीस्ट 20 डंजन्स को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो जिन हो जिनवू के सामने डील रखता है कि 30 बिलियन मनी उनके कंट्री की करेंसी में फॉर 19 मिशंस। एंड जिनवू ऑफ कोर्स इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि पैसे के पैसे मिलेंगे एंड पावरफुल होने का मौका मिलेगा वो अलग से। जिनवू ने अब एक बार अपने डेली मिशंस डबल कर दिए थे कि 10 किलोमीटर की जगह वो 20 किलोमीटर भाग गया और 100 पुशअप्स की जगह उसने 200 पुशअप्स कर दिए। तो उसको स्पेशल रिवॉर्ड में एक और चाबी मिली, एंड इस बार वो एक एस रैंक डंजन की थी। वो एस रैंक डंजन के अंदर जाता है, उसे बॉस महल सामने ही दिख रहा होता है, लेकिन उसके पहले हमारे एमसी के सामने खड़ा होता है सर्बेरस, और वो कुत्ता जिनवू का कुत्ता बना देता है उसे मार मार के। जिनवू थोड़ा सा अलग हटता है, कुछ हील वील करता है, फिर वापस आता है, एंड ऑब्वियसली वो एमसी है तो हारेगा कैसे, एंड फिर वो सर्बेरस को भी देता है। लेकिन वो बॉस महल के अंदर भी नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको अपनी औकात दिख गई होती है कि अभी अंदर जाके वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उस बॉस महल के अंदर एक ऐसा माना क्रिस्टल है जिससे उसकी मम्मी ठीक हो सकती है, तो उसको लेने के लिए वो वापस आएगा ही आएगा। अब एक मिशन के लिए वो डबल डंजन वाली टीम दोबारा साथ में आती है, एंड उनका साथ देने के लिए कुछ क्रिमिनल्स भी वहां पर आते हैं, एंड उन क्रिमिनल्स का सुपरवाइजर होता है एक बी रैंक हंटर कैंग ताइशिक नाम का। वो डंजन आगे से डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, तो इनकी टीम भी डिवाइड हो जाती है 3 पार्ट्स में, एंड अलग होते ही कैंग ताइशिक उन सारे क्रिमिनल्स को मार देता है, क्योंकि उसे यही काम करने का पैसा मिला होता है। आवाजें सुनकर सारे लोग उसी डंजन में पहुंच जाते हैं, एंड फिर लड़ाई होती है हमारे एमसी एंड कैंग के बीच। कैंग अपने रियल पावर्स का यूज करता है जो कि है स्टेल्थ, लेकिन हमारा संग जिनवू बीइंग एन एमसी उसे भी हरा देता है, एंड रिवॉर्ड में उसे स्टेल्थ पावर मिल जाती है। अब हंटर एसोसिएशन के लोग जिन्हें संग जिनवू पर ऑलरेडी शक होता है वो उस डंजन के बाहर खड़े हुए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर संग जिनवू को संग चियोल बचा लेता है ये बोल करके कि बाकी सब लोगों को संग चियोल ने मारा है। बट स्टिल जिनवू को यहाँ पर एक वार्निंग दी जाती है कि भाई संभल के रहो, क्योंकि तुम्हें मारने हुआंग डांगसो आ रहा है, एंड हुआंग डांगसो उसी इंडिपेंडेंट गिल्ड के लीडर का भाई है जिसको संग जिनवू ने पहले मारा था। जिनवू अब फाइनली जिनहो के साथ जाता है वो 19 डंजन्स क्लियर करने के लिए, एंड उनको क्लियर करने के बाद रिवॉर्ड में उसे एक ऑप्शन मिलता है टू चेंज द जॉब, एंड वो उसे सेलेक्ट कर लेता है। फिर वो पहुंच जाता है एक और डंजन के अंदर जहां पर उसके सामने एक नाइट होता है, थोड़ी जद्दोजहद करके वो उसे भी मार देता है, एंड फिर उसके सामने वैसे ही और नाइट्स आ जाते हैं एंड वो उन सबको भी मार देता है। फिर वो पहुंचता है बॉस रूम के अंदर जहां पर उसे दिखाई देता है एक एम्प्टी थ्रोन एंड एक नाइट टू प्रोटेक्ट दैट थ्रोन। उस नाइट का नाम होता है इग्रिस, एंड वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन एमसी है तो मुमकिन है, एंड वो इग्रिस को भी हरा देता है। फिर एक और पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से और नाइट्स आना शुरू हो जाते हैं, एंड एक टाइमर शुरू हो जाता है उसके सामने। संग जिनवू उन सबसे लड़ रहा होता है, लेकिन फाइनली ये सब कुछ उसके लिए भी ओवर हो जाता है एंड वो मरने वाला होता है। लेकिन तभी 24 घंटे पूरे हो जाते हैं एंड उसके डेली टास्क कंप्लीट नहीं हुए होते हैं, तो वापस से उसी रेगिस्तान में पहुंच जाता है पनिशमेंट के लिए। एंड अब संग जिनवू का लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो पनिशमेंट उसके लिए एक्चुअली में एक पर्क है। वो वहां पर अपने आप को प्रिपेयर करता है, हील करता है, सब कुछ करता है, और फिर 4 घंटे बाद वो वापस पहुंचता है उसी जगह पे। और 4 घंटे में काफी सारे नाइट्स वहां पे इकट्ठे हो चुके होते हैं। वो पता करता है कि क्या मेज है, क्या क्या है, और फिर वो उन सबको मार देता है अल्टीमेटली। और फिर उसको एक नया जॉब टाइटल मिलता है जिसका नाम होता है नेक्रोमैंसर। एंड क्योंकि उसने इतने सारे नाइट्स को मारा होता है तो उनके रिवॉर्ड में उसका उस जॉब में तुरंत ही प्रमोशन हो जाता है, एंड वो बन जाता है शैडो मोनार्क। शैडो मोनार्क बनने के बाद उसको एक और एबिलिटी मिलती है अराइज। ये वर्ड बोलने पर मरे हुए लोगों की शैडोज जिनवू को फॉलो करने लग जाती है, उसकी बात मानने लग जाती है, उसके साथ
साथ लड़ने लग जाती है। लेकिन अगर तीन बार अराइस बोलने पर उस शैडो ने जिनवो को फॉलो नहीं किया तो वो कभी फॉलो करेगी भी नहीं, एंड इग्रिस ने स्टार्टिंग के दो बार में उसे मना कर दिया होता है। फिर जिनवो इग्रिस के पास जाता है और उसे बोलता है कि इग्रिस सुनो, हम बताते हैं तुम्हें कि जंगल कितना ब्यूटीफुल है, और फिर इग्रिस भी उसकी आर्मी ज्वाइन कर लेता है, एंड इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी, इसमें सीजन 2 के चैप्टर्स कवर करूंगा मैं, एंड वो कुछ नया होगा इसलिए और डिटेल्ड होगा। ये तो बस रीकैप था तो ऊपर से बता दिया मैंने। ये वीडियो पसंद आई हो एंड इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाय बाय।